पैगाम मैं देना चाहता हूं वह है बच्चे घर के कामकाज में अपने वालिदैन की मदद करें। बच्चे घर के कामकाज में अपने वालिदैन की मदद करें। बच्चों को घर के कामकाज में अपने वालिदैन की मदद करनी चाहिए। इसके बारे में कलाम मुकद्दस फरमाता है, बड़ा सख्त फरमाता है, जरा गौर कीजिएगा। दूसरा तसनीकियों तीसरा बाब उसका और उसकी 10 आयत में लिखा है, और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको यह हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। यानी जिस शख्स को काम करना अच्छा नहीं लगता वो खाना भी ना खाए। वो बच्चे जो घर में रहते हैं, ख्वाह छोटे हैं या बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो घर के कामकाज में मां बाप की मदद करें। उसकी वजह यह है कि वो बच्चे उस घर में रोटी खाते हैं और हर सहूलत से फायदा उठाते हैं। मसलन घर की सफाई हो गया, छोटे बहन भाइयों की हिफाजत हो गई, बाजार से सौदा सर्फ लाना, छोटे छोटे काम हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना वगैरह, कपड़े प्रेस करना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं हमें जो दी गई हैं, क्योंकि वो घर में रहते हैं और घर की हर सहूलत से फायदा उठाते हैं। अगर बच्चे छोटे होते ही घर के काम काज में वालिदैन की मदद करते हैं तो फिर वो बड़े होकर सुस्त और निकम्मे नहीं होंगे। याद रखें, घरेलू कामकाज करने में शुक्रगुजारी भी आ जाती है। मैंने कहा याद रखें, घरेलू कामकाज करने में शुक्रगुजारी भी आ जाती है। यानी आप घर में रहते हैं, घर की सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या यह मुनासिब नहीं कि आप शुक्रगुजारी के तौर पर अपने घर में कामकाज करें। याद रखें कि बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो वालिदैन के साथ घर के कामकाज में उनकी मदद करें। हालेलुया।